हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपी से चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, से आगे आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी के इतिहास की, जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई, तब से लेके आज तक क्या परिवर्तन हुए। तो बात है दोस्तों 1999 की, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री होते थे इंडिया के, और जीएसटी के लेकर एक 3 सदस्य की मीटिंग जो बैठी पहली बार, तो उसमें आईजी पटेल थे, बिमल जालान थे और सी रंगराजन, ये 3 लोग बैठे थे उस कमेटी में। उसके बाद हुआ क्या कि इस कमेटी की जो कमान थी पश्चिम बंगाल के उस टाइम के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे सीपीआईएम के नेता असीम दास गुप्ता, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया और जीएसटी पर एक जो मॉडल तैयार करने के लिए उनको बोला गया। तो यहां से ऐसे शुरुआत हुई थी जीएसटी की। दोस्तों इसके बाद एक टास्क फोर्स बनाई थी गवर्नमेंट ने 2004 में, विजय केलकर समिति। इस समिति ने टैक्स के रिफॉर्म्स पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इस कमेटी ने पहली बार बताया था कि हमको जीएसटी जो है लगाना चाहिए देश में। तो शुरुआत मानते हैं, जब हम पूछा जाए कि किस समिति ने जो है सिफारिश दी थी कि जीएसटी को लागू किया जाए, तो आप याद रखिए विजय केलकर समिति 2004 में बनी थी टैक्स रिफॉर्म पर, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जीएसटी को देश में लागू किया जाए। दोस्तों 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट उस टाइम होती थी कांग्रेस अलायंस की, तो उन्होंने 2008 के बजट में बोला था कि हमको 2010 से जीएसटी को जो है लागू करना है। तब यूपीए गवर्नमेंट ने 2009 में एक कमेटी बनाई और बात करना शुरू की जीएसटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन बीजेपी का विरोध था और भी जो लोग थे स्टेट थे वो मानने को तैयार नहीं थे, तो कुछ ज्यादा जो है प्रभावकारी हुआ नहीं। फिलहाल उसके बाद में एक बार और कांग्रेस ने यानी कि यूपीए ने कोशिश की 2011 में 115वें संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा में इसको पेश किया गया, लेकिन ये बिल जो है लोकसभा में गिर गया। उसके बाद सरकार बदली, सरकार आई एनडीए की, बीजेपी विद अलायंस की। 2014 में इस बिल को पेश किया गया 122वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आज जो बिल पेश हुआ है ये बिल एक यही बिल है जो 2014 में पेश किया गया था 122वां संविधान संशोधन, जो आज हमारे संविधान में नोटेड है 101 अमेंडमेंट के साथ में, यानी कि 101 के साथ में संविधान में लिख गया है, और उसका जो आर्टिकल है 279A। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस समिति ने सिफारिश दी पहली बार जीएसटी की, तो वो है केलकर समिति। पहली बार किस बजट में या पहली बार कब लागू करने की बात की गई थी, तो बात की गई थी 2010 से इसको लागू करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। अगर पूछा जाए पहली बार जो है लोकसभा में इसको कब लाया गया, तो ये था 2011, और जब पास हुआ है तब कब लाया गया था, एक 2014 में, और जो संविधान संशोधन था जिसके रूप में से लाया गया था वो था 122वां। अब बात आती है संविधान की, मतलब आर्टिकल अगर पूछा जाए तो ये आर्टिकल जो है इसका 279A है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें सफलता कैसे मिली और कालक्रम जो है इसका कैसे चला। तो देखिए इंट्रोड्यूस किया गया, ये मैं बात कर रहा हूं 122वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो पास हुआ है उसी के बारे में, 2014 में जो लाया गया था, तो इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 2014 में। उसके बाद 2015 में इसमें जो है कमेटी के पास जाते रहे और रिफॉर्म होते रहे, इसमें बदलाव होते रहे, स्थायी कमेटियां इसको देखती रही। लोकसभा में पहले लास्टली लोकसभा में जो है इसको संशोधन के बाद या जांच के बाद जो है पास कर दिया गया, तो वो डेट है 8 अगस्त और 2016 की, और वहीं पर राज्यसभा में जब इसको पास किया गया है तो वो डेट है 3 अगस्त 2016 की। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अमेंडमेंट किए गए कहां कहां पर हुए हैं संविधान में, तो देखिए 6th एंड 7th दोनों शेड्यूल में बदलाव किया गया है, और जो फाइनली जो आर्टिकल जो संविधान के साथ में आर्टिकल हमारे जो संविधान में लिखा गया है, तो उसको जो संविधान का जो आर्टिकल बनाया गया है, ये संविधान संशोधन जो बनाया गया है, वो बनाया गया है 101। अब जो नोटेड है आर्टिकल 279A जो है वो 101 अमेंडमेंट के साथ में
जुड़ा हुआ है। पेश किया गया था 122वें संविधान संशोधन के रूप में, और जो आज जो नोट है संविधान में वो है 101 अमेंडमेंट के रूप में। तो राष्ट्रपति ने कब साइन किया ये हम देख लेते हैं। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिया है अपना, और जो है 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो जाएगा। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, 279A के रूप में यह संविधान में नोटेड है। दोस्तों इसके प्रकार देखते हैं तो जीएसटी जो है इसके तीन अंग होंगे, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होगी वो केंद्र लागू करेगा, और स्टेट की जो जीएसटी होगी वो राज्य की जो सरकारें होंगी वो लागू करेंगी। इसमें करीब 18 प्रकार के जो कर हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर की, तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो हमारे होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, तो वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके साथ में एक अन्य सदस्य जो होंगे वो वित्त राज्य मंत्री हो सकते हैं, या सेंट्रल के रेवेन्यू के कोई जो मंत्री होंगे वो हो सकते हैं, या कोई भी सरकार जिसको अपॉइंट करे। मेनली इसमें जो है वित्त राज्य मंत्री ही हुआ करेंगे इनके साथ में। 22 चेयरमैन होंगे किसी भी राज्य के, एक वित्त मंत्री। अब इसमें जो है दूसरे जो सारे राज्य हैं वो सहमति बना लेंगे कि भाई हाँ, जैसे यूपी के हो गए या महाराष्ट्र के हो गए या एमपी के हो गए, कहीं के भी एक वित्त मंत्री है तो उन्होंने सहमति बना लेंगे कि भाई इनको जो है 22 चेयरमैन बना दिया जाए जो हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए हो। उसके बाद है सदस्य जो होंगे वो राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है राज्य के वित्त मंत्री हो, सरकार के द्वारा अपॉइंट और भी मंत्री जो है हो सकते हैं वहां, जरूरी नहीं है कि वो वित्त मंत्री ही हो, लेकिन मेनली क्या होगा सब लोग क्या है वित्त मंत्री को ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अपना किसी भी मंत्री को वहां पर बिठा सकते हैं। दोस्तों जीएसटी के लाभ क्या होंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से जीएसटी लाया गया है, करों पर कराधान यानी कि कास्केडिंग जो इफेक्ट होता है ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है जीएसटी के लाने में। एक ही वस्तु पर एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार के टैक्स लग जाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपए की थी, ठीक है, उस पर 1-1 रुपए के 3 लगा दिए, अब 5 और 3 ये पहुंच गई कितने, 8 रुपए की। तो ये कास्केड टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते चले जाते थे, और जिस वजह से क्या होता था वस्तु का मूल्य जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। कर में विवाद एक मेन लड़ाई रहती कि भाई ये वाला टैक्स कौन लेगा, इसके अंडर में आएगा इसके नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें चलती रहती थी। इससे बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है गवर्नमेंट को, और जो सामान की कीमतें होंगी वो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अब देखिए एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस बता दूं, अगर कोई एक नई कार खरीदना चाहे दिल्ली से और वहीं पर एक नई कार खरीदना चाहे बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से या यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से या एमपी के डिस्ट्रिक्ट से, तब क्या होता है दोनों चीजें बहुत बहुत पता लगता है कि वहां पर अल्टो कार का मैं एग्जांपल दे दूं तो मान लीजिए यहाँ 4.5 लाख रुपए की मिल रही है दिल्ली में, तो वही देखते हैं कि अरे वही कार जो है 5 लाख रुपए की मिलती है, 50,000 रुपए उस पर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो मेनली यही था, वहां पर सब तरह का एक ही टैक्स होगा। और एक चीज मैं आपको भूल गया, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, और जैसा आपको पता ही होगा लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूं, और इसमें अप्रत्यक्ष कर बहुत आसान है आपको पकड़ना। जैसे नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं, जो कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं वह सभी कर जो होते हैं अप्रत्यक्ष कर होते हैं, और इसमें तो इसका नाम ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो प्रत्यक्ष कर होंगे वो किसी भी तरह से जो है जीएसटी के अंडर में नहीं है, या जीएसटी उन पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालने वाली है, वो जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही चलेंगे, रन करेंगे। लेकिन जो बाकी अप्रत्यक्ष कर जितने भी होंगे उनमें सब में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, सिर्फ एक तरह का टैक्स लगेगा, 2-3 तरह के टैक्स नहीं लगेंगे। जो कार आज दिल्ली में भी 5 लाख रुपए की है वो कार कल
यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी, किसी डिस्ट्रिक्ट से भी आप ले लें, छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में, अगर महोबा से भी आप अगर कार खरीदेंगे तो वो कार भी आपको 5 लाख में मिलेगी, जो कार आपको दिल्ली में 5 लाख रुपए की मिलती है। रही वस्तु के जो कीमत की बात, तो जो टैक्स स्लैब बनाए हैं, अभी मैं टैक्स स्लैब की बात करूंगा, 4 तरह के टैक्स स्लैब उन्होंने बनाए हैं, तो जितना भी होगा उसके हिसाब से जो वस्तु कीमत आज चल रही है उसके हिसाब से वो काफी कम होगा। किसी मान लीजिए मेरे ख्याल से अभी जो एक नॉर्मली जो एक आइडिया निकल के आया है, तो आया है कि जो वस्तुएं जो है 30 से 35% तक जो है महंगी होंगी, उनका जो रेट हो जाएगा वो डाउन होके आ जाएगा अब 20 से 25%, यानी करीब मान लीजिए सीधा सीधा आपको 10% जो है एकदम किसी वस्तु का जो मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। किसी भी राज्य में सामान का जो है दाम एक ही होगा और जो कीमतें होंगी वो नीचे आ जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ऐसी जो चीजें हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे ताजा मीट, अंडा, ताजी सब्जी, फल, ब्रेड, अखबार, दूध, दही, मक्खन और बटर, इन पर किसी भी चीज पर जो है कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब यहां आप देखिए एकदम ये एक रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, आदमी डेली अंडा भी खा सकता है, मीट तो नॉर्मल नहीं खा सकता, दूध दही तो डेली की बात ही है, सब्जी भी डेली की बात है, खाना क्या खाएंगे, फल भी, ब्रेड भी नाश्ते में करना ही है, अखबार डेली पढ़ना ही है, तो इन सारी चीजों में ये जो है इन पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स एकदम फ्री हो जाएंगी ये सारी चीजें। आप समझ लीजिए इसमें कितना मतलब जो इनका रेट होगा वो कितना कम हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आए कि इन सारी चीजों पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो ध्यान रखिए कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। आप पिक्चर से देख लेंगे एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन वाली बात कर दी कि जो ताजा मीट होता है उस पर तो जो है एकदम जीएसटी का जो टैक्स एकदम फ्री है, नहीं लागू होता, लेकिन भाई मछली के मांस की बात आ जाती है तब देखिए यहां पर उन्होंने 5% टैक्स लगा दिया है। और आप ध्यान रखना कि जो फिश का जो मीट होगा उस पर जो है लगा दिया है 5% टैक्स जीएसटी का। और क्रीम होगी, क्रीम तो बहुत सारी चीजों में यूज कर ली जाती है, तो उस पर भी 5% टैक्स जो है लगाएगा। क्रीम कोई डेली नहीं खाता है, तो ये है आपका स्किम दूध पाउडर जो होता है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं और एक तरह से फैक्ट्री पूरी तरह से इसके ऊपर वर्क करती है, पैकेज होती है, ये सबसे बड़ी बात पैकेज होती है, इसकी वजह से इसके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया है 5%। फिर भी सबसे कम इन्होंने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको एक तो एकदम हटा दिया है, या तो जीरो टैक्स लगा दी है या उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगाएगा। तब भी आप अगर उस आज के समय से इसको रिलेट करके देखेंगे तब भी ये 5% कुछ भी नहीं है, बहुत कम मूल्य इनका हो जाएगा, यानी कि जितना है उससे तो जरूर ही कम हो जाएगा। ब्रांडेड पनीर बिकॉज पैकिंग की वजह से ये जो है 5% इस पर लगाया जाएगा। फ्रोजन सब्जियां जो होती हैं, जो फ्रिज होती हैं, आप जैसे रिलायंस मार्ट चले जाइए, ठीक है, और विशाल मेगा मार्ट चले जाइए, तो यहाँ पर क्या है आपको सब्जियां मिलती हैं तो वो फ्रिजर्ड होती हैं, फ्रिजर्व करके रखा जाता है उनको, इसकी वजह से इस पर 5% जो है टैक्स यहाँ पर भी लगेगा। कॉफी, चाय और मसाले, इन पर भी 5% टैक्स लगा दिया है। और दवाइयों पर गवर्नमेंट ने 5% टैक्स दवाइयों पे भी लगाया है। कोयला बहुत शॉकिंग चीज है, कोयला पे सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, इसके साथ में इसको डाल दिया गया है, मेरे ख्याल से बिजली जो है सस्ती हो जाएगी। अब अगला है दोस्तों फ्रोजन मीट, वही आ जाती है जो मीट प्रिजर्व करके रखा जाता है। बिकॉज मैं बताऊं इसको फ्रोजन मीट को क्यों, ताजा मीट को गवर्नमेंट ने क्यों छूट, ताजा मीट देखिए आप मान लीजिए आप किसी पड़ोस की दुकान या कहीं आसपास जाके आप मीट लेके आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप लेके आएंगे आप बना लेंगे, फ्रोजन मीट आदमी मतलब वो आदमी प्रिजर्व नहीं करता ना मीट को अपने पास में, अपने पास स्टोर नहीं करता वो, बिकॉज वो एक्सपोर्ट नहीं करता। तो जो फ्रोजन मीट होगा वो 100% एक्सपोर्ट किया जाएगा, और एक्सपोर्ट किया जाएगा इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 12% टैक्स लगा दिया कि भाई तुम एक्सपोर्ट करोगे, अच्छी अर्निंग लोगे, बाहर भेजोगे इसको, तो उन्होंने कर दिया है इसको, अब बाहर भी भेजोगे या आसपास भी कहीं भेजोगे तब, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 12% लगा दिया। लेकिन अगर रोजमर्रा हम लोग तो ना हम प्रिजर्व करने वाले हैं, ना वो व्यक्ति प्रिजर्व करने वाला है जो हमारे पास में दुकान खोल के बैठा हुआ है,
क्योंकि उसकी एक दुकान है, उसको डेली जो है बेचना है, तो ताजा मीट को गवर्नमेंट ने एकदम फ्री कर दिया कि जो लोग अपने लिए यूज के लिए करना चाहे, अपने लिए लेना चाहें, वो लोग हाँ खा सकते हैं, वो सस्ता मिलेगा। लेकिन वही फ्रोजन मीट होगा वो महंगा मिलेगा, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट की वजह हो सकती है उसकी, या व्यापार में यूज हो सकता है, तो इसलिए फ्रोजन मीट पे लगा दिया। वहीं गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ताजी सब्जियां होंगी उस पर कोई टैक्स नहीं है, एकदम फ्री है आपके लिए, फ्री आप लीजिए। लेकिन वहीं अगर फ्यूजन जो फ्रीजन वाली जो फ्रिज वाली जो सब्जियों बात आ जाती है, जैसे रिलायंस मार्ट की मैं बात बता रहा था आपको, जहाँ सब्जियों का स्टोर होता है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि वहां पर 5% लगा दिया है। इसी तरह से फ्रोजन मीट पे यहाँ बढ़ा दिया, थोड़ा 12% कर दिया है। बटर घी और चीज इस पर भी 12% जो है लगा दिया है। पैकेट वाले ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उन पर भी गवर्नमेंट ने जो है 12% लगाया है। छतरी पे 12%, सिलाई मशीन पे 12% और मोबाइल पर भी 12% है। मोबाइल पर अगर ये 12% है दोस्तों तो कोई ज्यादा नहीं है, अभी भी आज के हिसाब से मोबाइल जो है सस्ते हो जाएंगे इंडिया में। दोस्तों अब हम टैक्स स्लैब देखते हैं, 18% टैक्स वाली टैक्स स्लैब क्या है। तो फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर जो होता है, जो एक पैकेज आप जो शुगर लेते हैं उस पर गवर्नमेंट ने 18% का जो है लगाया है। पास्ता पेस्ट्री और केक पर भी 18% लगेगा। जैम सॉस और आइसक्रीम, यानी कि आपका एक तरह से कहूं तो सुपर जो सॉरी सूप और जो एसिड फूड होता है, मैगी टाइप से आपका जो भी जितना आता है वो सारा का सारा जो है 18% में आएगा। और तीनों क्रम से अगर आप तीनों को लगाएं, चारों को लगा लें, चाय में तो चीनी पड़ती है, तो ये सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। सारे पे इन्होंने 18% लगा रखा है। तो अगला है कॉपी किताबें, क्या बात है, बुक्स भी महंगी होने वाली हैं 18%। मिनरल वाटर ऑलरेडी पहले से ही महंगा है, 18% इस पर भी होगा। टिश्यू पेपर पे, स्टील के उत्पाद होंगे उन पे, कैमरा और अनुभव। और यह मजाक की बात थोड़ी, गवर्नमेंट ने देखिए कितना बढ़िया से टैक्स स्लैब बांटा है। टैक्स स्लैब के पहले तो उन्होंने 5 बनाया है, 5 जो है 5, 12 और 18 किया। फोन को उन्होंने 12% में डाला है, जबकि कैमरे को उन्होंने 18% के जो टैक्स स्लैब में डाला है। देख लो तो बहुत ध्यान से याद रखने हैं, लगातार क्वेश्चन बनेंगे और सारे कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन बनेंगे। कैमरे को अलग कर दिया है फोन के साथ, जबकि लग्जरी जो बाकी जो बिलासिता की सारी चीजें हों वो एक साथ गवर्नमेंट को एक स्लैब में मर्ज करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा कि देखिए सबसे कम तो 5% बनाया, उसमें रोजमर्रा की सारी चीजें जो हम यूज करते हैं वो फंसा दी उन्होंने, और भी 0% के उसमें ले गए जो और भी ज्यादा जरूरत की चीजें हैं उसको। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जानती है फोन भी आज एकदम मतलब हर व्यक्ति अपने पास फोन रखना चाहता है, तब उन्होंने 18% के टैक्स स्लैब में इसको नहीं रखा और रखा 12% वाले में। इसलिए फोन को थोड़ा आगे लेके गए हैं, जबकि मिनरल वाटर भी आज के टाइम की हमारी जरूरत है, लेकिन उसको 18% के टैक्स स्लैब में डाला गवर्नमेंट ने। तो ये था 18% वाला। दोस्तों 28% के जो टैक्स स्लैब में आने वाले लोग हैं, च्युइंगम पे इन्होंने 28% लगाया है। च्युइंगम को पता नहीं था महंगा क्यों करना चाहते हैं। पान मसाला, इसकी तो हमेशा से रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट की, भाई जो धूम्रपान करते हैं उन लोगों को थोड़ा लगाम लगाई जाए, तो गवर्नमेंट जितना हो सकती है उतना ज्यादा से ज्यादा जो है टैक्स वसूलना चाहती है इनसे, क्योंकि एक हैबिचुअल है, लोगों को हैबिट होती है चाहे कैसे भी करना पड़े, भाई पान मसाला खाना है, सिगरेट पीनी है तो पीनी है। तो पान मसाला पे गवर्नमेंट ने जो है 28% टैक्स लगाया है। वॉल पेपर पेंट्स जो होता है, जो प्लास्टिक पेंट्स जो आ रहे हैं अब, जो इतना लगाओ और इतना खिंच जाता है, तो उस पर जो है गवर्नमेंट ने 28% लगाया है। शेविंग क्रीम, डीओ वगैरह जो है ये सारे भी महंगे होने वाले हैं, और शैम्पू पे भी 28%। वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स और निजी एयरक्राफ्ट की जो यात्राएं हैं उन सब पे गवर्नमेंट ने 28% टैक्स लगाया है। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि हमें लगता है कि जीएसटी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में जीएसटी नहीं है, बहुत सारे देशों में जीएसटी लागू है इस टाइम, और बहुत अच्छा जो है रिजल्ट भी वहां पर मिल रहा है। बात करेंगे सबसे पहले फ्रांस की। 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी जो है लगाया, लागू हुआ, और वहां पर जो एक रेट है वो है उनकी 20 यानी कि 20। उसके बाद जर्मनी ने 1968 में लगाया और रेट जो है उनकी 19 है। इटली ने लगाया इसको
1973 में। तो ऐसे बाकी सारे देशों में लगाया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, रूस हो गया, चीन में जो है लागू हुआ है 1994 में। देखिए यहां पर भी हम चीन से बहुत ज्यादा पीछे हैं। 1994 में वो लोग लागू कर चुके थे, 99 में वाजपेयी जी ने बात की इसकी, लेकिन तब से ना तो इतनी शक्तिशाली सरकारें आई, ना वही होता है ना, थोड़ा राजनीतिक इच्छा सरकार की नहीं होती काम करने की, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और देश बहुत टाइम तक सफर भी करता रहता है। जीएसटी की बहुत जरूरत थी, हमें ये काम 10 साल पहले करना था, लेकिन आज हम 10 साल पीछे चल रहे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब जो है अब लागू हो जाए 1 जुलाई से 2017, तब भी बहुत ज्यादा गनीमत है, लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है इससे। और लास्टली, जो सबसे कम रेट अगर यहां पर हम देखें तो 6% है, और वो मलेशिया ने 2015 में जब अपना जीएसटी लागू किया है तब, तो सबसे कम रेट जो है 6% जो है मलेशिया में है। और अगर देखा जाएगा जीएसटी के टैक्स स्लेब को हम अपने यहां से अगर लगाएं, तो जो हाईएस्ट रेट हमारी है 28%, उसके हिसाब से इंडिया जो बनेगा अब जीएसटी लागू करने वाला, तो हमारे यहाँ की जो रेट्स होगी वो सबसे ज्यादा हाई होगी दुनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे जरूर बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को, और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। थैंक यू।